हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं अप्पे। अप्पे एक बहुत ही स्वादिष्ट एवं ऑयल फ्री व्यंजन है। इसे नाश्ते में खाया जाता है। आप चाहें तो शाम के समय हल्की भूख में भी इसे खा सकते हैं और अपने मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अप्पे बनाना। अप्पे के लिए हमें चाहिए अप्पे का सांचा, जो किसी भी दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और हमें चाहिए 250 ग्राम रवा, दही 1 कप, थोड़ी सी राई, नमक, 1 कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ आलू, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी मटर, जिसको हम मिक्सर में थोड़ा सा चला लेंगे ताकि वो हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 चम्मच या आधा चम्मच लाल मिर्च, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच, नहीं तो आधा चम्मच। स्वादानुसार नमक ले लें और थोड़ा सा सोडा। 2 कटे हुए टमाटर, 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा तेल, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो आइए अब हम इसका बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम रवे को एक बर्तन में ले लेंगे। उसमें हम दही डाल देंगे। दही डालकर उसे मिक्स करेंगे और फिर उसमें पानी डालेंगे। पानी लगभग 1 कप के आसपास डालेंगे हम, ताकि हमारा बैटर थोड़ा गीला हो जाए। बहुत गीला इसको नहीं करना है। फिर इसमें हम आलू डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज डालेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे। मटर डालेंगे। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। लाल मिर्च डालेंगे। हरा धनिया डाल देंगे और बेकिंग पाउडर डाल देंगे। हरी मिर्च अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर हमें लगता है कि इसमें पानी कम है, ये ठीक से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो इसमें पानी और डाल देंगे। देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा और है, हमने अभी इसमें 1 कप पानी डाला है। ज़रा सा पानी हम इसमें और डालेंगे। हमारा बैटर अब मिक्स हो चुका है।
इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और हमारा रवा फूल जाए। इससे अप्पे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। देखिए 1 घंटे पहले हमने ये बैटर तैयार करके रखा हुआ है। अब हम आपको इससे अप्पे बनाना बताते हैं। देखिए अप्पे के सांचे को सबसे पहले हमने हीट होने के लिए रख दिया है। जब सांचा थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि अप्पे चिपके नहीं इसमें, जब हम इसको निकालें तो अच्छे से निकल जाएं। 2-2 बूंद तेल डालेंगे हम बिल्कुल। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी 2-2 4-4 दाने राई इसमें डालेंगे। हमारी राई पक चुकी है, उसके बाद हम इसमें बैटर डालेंगे। थोड़ा सा खाली, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे हम इसको, क्योंकि हमारे अप्पे जब फूलेंगे तो वो बाहर नहीं जाएं। देखिए ये अभी देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे, ढककर इसको पकाएंगे हम। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे सांचे को हम खोल कर देखते हैं। देखिए हमारे अप्पे कितने अच्छे फूल गए हैं। अब हम इनको, नीचे से भी लाल हो चुके हैं, अब हम इनको थोड़ा सा पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम इनको 1-2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे अप्पे रेडी हो चुके हैं कि देखिए हमारे अप्पे फूल के पक्के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम गैस बंद कर देंगे और इनको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारे अप्पे बिल्कुल रेडी हैं। इनको आप हरी चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्पे का सांचा उपलब्ध ना हो तो आप नॉनस्टिक तवे पर इसका चीला भी बना सकते हैं। इसी बैटर को चीले के रूप में भी बनाकर खाया जा सकता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंपल रेसिपी से शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।